त्योहार हमारे जीवन में उमंग भरते हैं, त्योहार जीवन में खुशियां भरते हैं, लेकिन इन्हीं खुशियों में और रंग भर देती है जब इसमें जुड़ता है जायका। जी हाँ, मिठाइयों की मिठास हमारे त्योहार में एक नया रंग भर देती है। मिठाइयां जो साल भर आप खाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं, लेकिन इन्हीं मिठाइयों को लेकर अब FSSAI ने एक नई गाइडलाइन जारी की और 1 अक्टूबर से ये गाइडलाइन जारी भी हो गई है। जी हाँ, जैसे आप दूसरे सामानों में एक्सपायरी डेट देखते थे सामान की, अब वही एक्सपायरी मिठाइयों की दुकान पर भी आपको मिलेगी। जी हाँ, जो मिठाई आप खरीदेंगे उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होगी। लेकिन क्या उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इन नियमों का पालन हो रहा है, ये जानने के लिए जय भारत टीवी की टीम निकली और जाना कि आखिरकार क्या हो रहा है। हमने रियलिटी चेक किया देहरादून की मिठाइयों की दुकानों का। सबसे पहले हमारी टीम पहुंची घंटा घर की मशहूर दुकान कुमार स्वीट शॉप और जाना कि आखिरकार यहाँ क्या FSSAI के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। इस वक्त मैं कुमार स्वीट शॉप पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं जो सरकार की गाइडलाइंस है उसका ठीक और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पालन किया गया है। पूरा बताया गया है कि कौन सी डेट पे ये एक्सपायर हो जाएंगे और कब ये मिठाई ख़राब हो सकती है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से लिखा गया है कौन सी मिठाई कितने समय तक चलेगी और कब ये एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं गाइडलाइंस का असर हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। पूरा इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है, हर मिठाई के ऊपर एक्सपायरी डेट का चिट लगा हुआ है और हमारे यहाँ के मालिक से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम इसको चेंज करते हैं, पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ हमने ये भी पूछा कि क्या इससे सहमत हैं, क्या ये सही रहेगा, तो उन्होंने बिल्कुल समर्थन करते हुए कहा है कि बहुत अच्छी बात है ताकि जो हमारे ग्राहक हैं वो जागरूक हों और उन्हें पता चल सके कि आखिर मिठाई कब बनी और कब बिकी, ताकि कोई उनको मूर्ख ना बना सके। कुछ क्या ठीक है, लोगों को पता चलता है कि अभी आज का है बना हुआ है या कल का, पता चल जाएगा डेट लगी हुई है, इससे लोग थोड़ा सा संतुष्ट है कि हमें ताज़ा चीज़ मिलेगा। ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का, क्योंकि काफ़ी दुकानों पे होता था कि एक्सपायरी भी भेज देते थे, तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है। हम तो इसका सम्मान करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, सबको पता लगे कि कब की बनी हुई है, कब एक्सपायर हो रही, इससे तो बढ़िया है, पब्लिक का फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है। जिसमें जिसकी लाइफ, जैसे काजू की आइटम है उसकी 5 दिन है गाइडलाइन, तो 5 दिन का लगा रखा। जो छेने की आइटम होती है जो उसका है 24 घंटे का, जैसे और है जैसे मावे की मिठाई उसका 48 घंटे, सबके आगे आगे लगा रखा हमने। इसके बाद हमारी टीम और आगे बढ़ी, हम पहुंचे एक और स्वीट शॉप आनंदम स्वीट शॉप जो कि राजपुर रोड पर स्थित है। यहां हमने जाना कि एक्सपायरी डेट को लेकर जो नियम FSSAI ने जारी किया है क्या उसका पालन किया जा रहा है। देखिए हमें यहां क्या मिला। इस वक्त मैं आनंदम स्वीट शॉप पर मौजूद हूं और हम यहां देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या सरकार की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है या नहीं। तो मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से यहां बहुत अच्छी तरीके से साफ तरीके से चीज़ों का पालन किया गया है। जो मिठाइयां हैं, हम काफ़ी दुकानों पर होके आए लेकिन ये हमें पहली ऐसी दुकान दिखी जहाँ पर पूरी तरीके से चीज़ों का पालन किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा चिट्स लगाई गई हैं, बताया गया है कि कब ये एक्सपायर हो रही है और कितने दिन में एक्सपायर हो जाएगी। और ये चीज़ काफ़ी अच्छी रही है इस दुकान में कि सब कुछ अच्छे से बताया गया है, हर एक मिठाई पर चिट लगाई गई है। मैम अभी एक नया जियो आया है, क्योंकि पहले एक कन्फ्यूजन था और अभी भी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये था मैन्युफैक्चरिंग का और एक्सपायरी का, तो अभी क्लियर हो गया है कि खाली सब लोगों को एक्सपायरी लिखनी है कि हर मिठाई की कितनी हो रखी है। दूसरी बात ये है, ये जो मिठाई का काम है, हम लोग 119 साल पुराने हैं, आई एम द 4th जनरेशन इन दिस बिजनेस। वो एक गुड ट्रस्ट गुड फेथ पे होता है। आप जब मेरी दुकान पे आते हो तो आप इसलिए आते हो कि आपको एक ट्रस्ट है कि आपको अच्छी सामान मिलेगा, चाहे वो एक छोटा सा छोटा दुकानदार हो चाहे बड़े से बड़ा दुकानदार हो। लेकिन क्योंकि जब कोई नॉर्म्स आ रखे हैं, हमारे लिए क्या है कि हाइजीन फर्स्ट प्लस क्वालिटी फर्स्ट, तो हम ये चीज़ रखते हुए फॉर अस बहुत प्रैक्टिकल है, हम लोग बिल्कुल नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यस, छोटे दुकानदारों के लिए ये एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि बहुत सारी दुकानों पर आप जाएंगे वहीं पर ही मालिक ही सेलमैन है, मालिक ही कैशियर है और मालिक ही मैन्युफैक्चरर है। उन लोगों के लिए बहुत पॉसिबल है, और हमारे ट्रेड में बहुत लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा उस बारे में सोच के देखना चाहिए। इसके बाद जय भारत टीवी की टीम पहुंची धर्मपुर रोड पर स्थित चंचल स्वीट शॉप पर। यहां हमने बात की और जाना क्या उन्हें FSSAI के इस नए नियम के बारे में मालूम है और क्या वो गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं।
हम लोगों ने पॉम्पलेट तैयार किए हैं जिन मिठाइयों की लाइफ जितनी है, यानी अगर कोई जिस काउंटर पे, जैसे जिस काउंटर के सामने आप खड़े हैं, इस पर जो भी मिठाइयाँ लगी हुई हैं, इनकी लाइफ 3 दिन से कम नहीं है, तो इनके लिए हम 72 आवर्स का टाइम देते हैं कस्टमर को देते हुए, और यहाँ हमने लिखा हुआ भी है कि ये मिठाइयाँ 72 आवर्स चलेंगी। कुछ मिठाइयाँ हमारे यहाँ छेने से निर्मित हैं जिनकी लाइफ सिर्फ 24 घंटे होती है, तो वो भी हमने अलग काउंटर बनाया हुआ है, उसके ऊपर भी हमने लिखा हुआ है कंज्यूम सेम डे। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए हमारे यहाँ जो है बाकायदा लिखा गया होता है, हर डब्बे के पीछे लिखा होता है, ठीक है ना, कि बंगाली स्वीट्स इतने टाइम चलेगी और देसी घी की स्वीट्स इतने टाइम चलेगी, तो ये चीज़ें इसके पीछे लिखी जाती हैं। कस्टमर को देते वक्त भी बताया जाता है कि ये मिठाई सर इतने दिन ही इसकी लाइफ है। ये पहले से ही इस पर प्रिंटेड है, आप उसके अकॉर्डिंग उन डब्बों में डाल देते हैं, तो वही जो है बेचते वक्त कस्टमर को ये भी बता दिया जाता है कि सर ये इतने दिन की लाइफ है, अगर इससे पहले खराब हो जाता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम हैं। चंचल स्वीट शॉप के बाद हमारी टीम पहुंची अहूजा स्वीट शॉप, जहां हमने ये जाना कि क्या इस गाइडलाइन को निभाना इतना मुश्किल है या फिर देहरादून की चर्चित दुकानों के लिए ये कितना आसान है। अब हम नेहरू कॉलोनी के अहूजा स्वीट शॉप पर आ पहुँचे हैं। यहाँ पर हमने बात करी है यहाँ के मालिक से और यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनसे की हैं, खैर वो कैमरे के सामने आकर नहीं बोलना चाह रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने बातचीत हमसे की है वो हम आपको बताना चाहते हैं। उनका ये कहना है, देखो सरकार की गाइडलाइंस है तो पालन तो किया ही जाएगा, लेकिन जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनका ये कहना है कि दुकानदार इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि कुछ मिठाइयों की डेट 1 दिन होती है, कुछ मिठाइयों की डेट 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, आधा महीना, ऐसे होता है, तो किस तरीके से हम करें। आफ तौर पर उन्होंने ये चीज़ कही है कि तैयारियां शुरू हो गई हैं, पैम्पलेट बन चुके हैं, बस लगने की देरी है, गाइडलाइन है उसका हम स्वागत करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो हर दिन की चुनौती है और हर दिन के लिए हेडक बन चुकी है ये। इसके बाद हम पहुंचे देहरादून के बाईपास रोड पर स्थित गुलाब स्वीट शॉप पर। जैसे ही जय भारत टीवी की टीम यहां पहुंची, उन्होंने देखा कि आखिर गुलाब स्वीट शॉप में किस तरह से एक्सपायरी डेट लिखी मिठाइयों को बेचा जा रहा है। हमने उनसे बातचीत की और जाना क्या ये नियम सही है। रियलिटी चेक के लिए अब हम आ पहुँचे हैं गुलाब स्वीट शॉप में, जो कि काफ़ी अच्छी रेपुटेशन रखती है अपने आप में, और हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या ये दुकान गाइडलाइंस का पालन अच्छी तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है। यहाँ पे इंडिविजुअली जैसे हमने देखा उस तरीके से तो नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 1 तारीख से ये नियम लागू हुआ था और 1 तारीख का ही यहाँ पे इन्होंने ये लगा दिया है। इसमें लिखा हुआ है, लड्डू एंड स्वीट्स शुड बी कंज्यूम्ड विद 2 डेज, घी, काजू, बादाम एंड पिस्ता स्वीट्स शुड बी कंज्यूम्ड विद 5 डेज, कीप ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स प्रीमियम स्वीट्स रिफ्रिजरेटेड एंड कंज्यूम्ड ऑन द सेम डेज। सरकार की गाइडलाइन का असर हुआ है और पालन किया जा रहा है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं लगा रखा है इस चीज़ को। और भी दुकानों में गए हम, गए और वहाँ जानने की कोशिश की, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी यही चीज़ लगाई गई है, सब कुछ बताया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये थी गुलाब स्वीट शॉप, जहाँ पर हमने रियलिटी चेक किया और अचानक से आकर देखा कि क्या गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देहरादून की मशहूर स्वीट शॉप पर हम जहाँ भी गए, हमने वहाँ देखा कि इन नियमों का पालन किया जा रहा है, बाकायदा एक्सपायरी डेट लिखी मिठाइयों को बेचा जा रहा है, लेकिन छोटी दुकानों पर इस नियम का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा। लेकिन छोटे दुकानदारों ने साफ तौर पर यह कहा कि FSSAI की गाइडलाइंस का पालन करना उनके लिए बेहद मुश्किल है। है कि मिठाई जो है, जो अगर एक पाव भी बच गई तो अगले दिन उसे कहाँ ले जाएंगे, अगले दिन खराब तो होती नहीं है वो मिठाई की लाइफ जो है, किसी मिठाई की लाइफ 15 दिन होती है, किसी मिठाई की लाइफ 8 दिन होती है, किसी मिठाई की लाइफ 1 ही दिन होती है। जो 1 दिन जिसकी लाइफ होती है वो 1 ही दिन के बराबर बनाते हैं, लेकिन जिस मिठाई की लाइफ 4 दिन की है तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं हम, उस पर हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं भाई, यही दिक्कत है हमारे सामने आएंगी और क्या है। नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता ना, मिठाई के साथ में ऐसा एक्सपायरी डेट वाला मामला नहीं हो सकता, क्योंकि रात को 2-2 बजे तक मिठाई बनती है दिवाली पे, और सवेरे उठ के बेचनी है तो उस पर किस समय एक्सपायरी डेट लिखेंगे, कैसे उसका वो करेंगे, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। अच्छा, मिठाई के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मिठाइयों की दुकानों पर अब आप जब भी जाएंगे तो आपको मिठाइयाँ मिलेंगी एक्सपायरी डेट के साथ।
हमने अपने रियलिटी चेक में यही जाना कि आखिरकार कौन सी दुकानें इन नियमों का पालन कर रही हैं और कौन सी दुकानें नहीं। ज्यादातर दुकानों पर पूरी तरह से इन नियमों का पालन किया जा रहा है, जो कि बेहद जरूरी भी है। जय भारत टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ देहरादून से सुकैना जैदी की रिपोर्ट।